गाइडेंस चैनल यूट्यूब पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी फिक्र की रोशनी का बहाव से पिछले प्रोग्राम में मैं यासीन के बारे में बयान कर रहा था कि यासीन जो है सुनने से भी काम हो जाता है। लोग सोचेंगे सुनने से कैसे काम होता है, सुनने से ये कि आप देखें जब आदमी बीमार हो सख्तरीन या कोमे में हो उस वक्त ये मसला हो कि या इधर हो जाए या उधर, तो लोग क्या करते हैं यासीन पढ़ते हैं। वो तो सुनने के काबिल नहीं होता, फिर वो कैसे काम होता है या एक शिफा हो जाती है या वापस चला जाता है, तो ये कैसे है? क्योंकि रूह जो है वो तो सुनती है, जिस्म सुने या न सुने रूह तो मौजूद होती है। इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसके कान में अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हैं। बच्चा तो समझने के काबिल नहीं, लेकिन ये आवाज रूह तो समझती है, क्योंकि रूह जहां से आई है ये सब कुछ वहां होता है। वहां तवाफ होते हैं, सजूद होता है, अल्लाह अकबर की आवाजें गूंजती हैं। इसीलिए रूह को ये बतलाना पड़ता है कि या तो शिफा हो जाए या फिर वापिस चली जाए।